2017 के विधानसभा चुनावों में एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो कारोबार तो सऊदी अरब में करता है लेकिन यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया है। इस प्रत्याशी के पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे की वजह कुछ और ही है। क्या है वो वजह और कौन है ये उम्मीदवार, आइए जानते हैं। मंडी जिला के जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र का गुलम्बा गांव, जिस गांव का प्रकाश राणा सऊदी अरब में करोड़ों का कारोबार करता है। 1985 में प्रकाश राणा बतौर कर्मचारी सऊदी अरब गया लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रकाश राणा सऊदी अरब में अब पार्टनरशिप के तहत कारोबार करने लगे। प्रकाश राणा ने इतना पैसा कमाया है कि अब घर आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। अपने पैतृक घर पर प्रकाश राणा ने हेलीपैड बना रखा है, जब कभी जरूरत के वक्त घर आना हो तो प्रकाश राणा हेलीकॉप्टर हायर करके आते हैं। तस्वीरें बताती हैं कि प्रकाश राणा जिसकी रही शेख की तरह जिंदगी जीते हैं। प्रकाश राणा का बेटा अब सऊदी अरब में कारोबार संभालने लग गया है जिसके चलते प्रकाश राणा बीते 6 महीनों से अपने घर पर ही डटे हुए हैं। प्रकाश राणा बताते हैं कि उनके स्वर्गीय पिता का सपना था कि वह इलाके की सेवा करें और इसी सपने को पूरा करने के लिए वह चुनाव लड़ रहे हैं। प्रकाश राणा अपने इलाके के विकास के लिए समय-समय पर पैसा खर्च करते आए हैं। अभी तक कई लोगों को रोजगार भी दे चुके हैं और कई गरीबों की मदद भी कर चुके हैं। प्रकाश राणा कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रकाश राणा ने विधायक बनने पर अपने वेतन भत्तों को भी जनता पर खर्च करने का ऐलान किया है। प्रकाश राणा ने पहले राजनीतिक दलों से टिकट लेने की कोशिश की थी लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय ही चुनाव भी रण में कूद गए। अब प्रकाश राणा की किस्मत का फैसला जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ही करना है क्योंकि यहां मुकाबले में प्रकाश राणा से भी तेज धुरंधर मैदान में डटे हुए हैं जो किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चुनाव लड़ने का मेरा क्यों इरादा हुआ, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी का सपना था कि मैं इस क्षेत्र की सेवा करूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि काफी वर्षों से हमारा उनके साथ कुछ अच्छे रिलेशन है, सऊदियों के साथ कुछ परसेंटेज हमें वो देते हैं। हमारे नाम पे कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, पूरे बिजनेस उन्हीं के नाम है, वो परसेंटेज हमें मिलती है। तो अब हमारा बेटा जो है उस बिजनेस को संभालने लगा उनके सऊदियों के साथ, तो मैं जैसे ही फ्री हुआ तो सबसे पहले मैंने वही काम करने लगा जो मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी को एक वादा किया था कि जनता चाहती है, जनता का काफी प्यार हमें मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं हर घर में रोजगार और हर घर में खुशहाली देखना चाहता हूं, मेरा विजन है, मैं लेकर आया हूं। और मैंने पहले ही कहा दिया कि मैं एक ईश्वर को मानने वाला इंसान हूं, मैं तन मन से इनकी सेवा करने आया हूं, मैं अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं। मेरा ये मैं जानता हूं कि मैं अभी बड़े बड़े वादे तो मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन मेरा इतना मानना है कि मैं बड़ा कुछ करूंगा। जब आप तन मन से कोई भी काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो ईश्वर साथ देता है। और ये भी एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कह दिया है कि मुझे मेरी जो भी सैलरी भत्ते होंगे सब जनता को जाएंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सेवा करने आया हूं, दिल से सेवा करने आया हूं और जनता इस बात को समझ रही है। अगर कल को अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपने तो ये बयान दिए थे, मैं इनकी सेवा करने आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है।